इसलिए पूरा गांव जोर शोर से हाथी पे बटन दबाएगा और एक हाथ और भाई को विजय बनाएगा। आज नेलो पार्टी जेजेपी पार्टी से भी भाई ने आपको समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि पार्टी तो आती जाती रहेंगी लेकिन भाई हमारे बीच में आया, हम उनका खुला समर्थन करते हैं। तो कितनी खुशी होती है ये आप मेरे परिवार से देख सकते हैं, परिवार में कितना जोश है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं अपने अपने घर में अपने परिवार में आया हूँ। साहब मैं तो देख रहा हूँ कि चारों तरफ वोट ही वोट है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कैटराइज वोटर है वो अपने साथ है और बहन जी ने टिकट देकर इतना बड़ा सम्मान गुजरों का करा है, तो गुजर समाज 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी वोट है, मैं कहता हूँ एक मुश्त एक हाथ से ये नारा लगेगा आने वाले समय, जब समय आगे बढ़ेगा ना तो एक आवाज बुलंद होगी इस समाज से कि एक आदमी बूथ पे खड़ा होगा, पोलिंग बूथ पे खड़ा होगा, एक आदमी बटन दबाएगा वो भी हाथी का। भाई क्या देखा आपने जो जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद कहा कि हम जो वोट देंगे वो बसपा को देंगे? मैं जेजेपी से नहीं हूँ, INNL से जुड़े INNL से हूँ और मैंने पार्टी से त्याग पत्र नहीं दिया है, मैं पार्टी में ही हूँ, लेकिन मेरे समाज का मेरा भाई आया है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, जयप्रकाश के साथ हम लोग मौजूद हैं गुड़गांव लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा के रेवाड़ी विधानसभा में। आप देख रहे हैं गुर्जर समाज के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि विजय खटाना जी को अपना समर्थन आज बड़े हर्षोल्लास से दे रहे हैं, बड़ी तादाद में दे रहे हैं। एक बार जानेंगे उनसे क्योंकि उनका पैतृक गांव भी जो भाई है वो यहीं से उनकी निकासी है, एक बार जानेंगे किस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसा समर्थन मिल रहा है आज? कहते हैं बड़ा भाई है छोटा भाई, दो परिवार आज एक साथ मिल रहे हैं और पगड़ी अपने बुजुर्गों ने आपके सर पर रखी है, किस तरीके से मान सम्मान रखती है? देखिए बहुत खुशी की बात है, आज मेरे बुजुर्ग जब यहाँ से गए थे तो एक बाबा यहाँ रह गए थे, एक बाबा वहाँ चले गए थे और आज मुझे अपने पैतृक गांव में आने का मौका, मेरे बुजुर्गों के गांव में आने का मौका मिला है, तो आप ये जोश देख सकते हैं मेरे पितातुल बुजुर्गों में, मेरे भाइयों में कितना जोश है कि जब उनके बीच उनका भाई इतने लंबे समय के बाद अगर कोई बिछड़ा भाई या फिर जो दूर रह रहा वो नजदीक आता है। आज इनेलो जेजेपी पार्टी से भी भाई ने आपको समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि पार्टी तो आती जाती रहेंगी लेकिन भाई हमारे बीच में आया, हम उनका खुला समर्थन करते हैं। साहब यही तो इस समाज की सच्चाई है, जब लगता है ना तो पार्टियां, देखिए वैसे एक्चुअल में पार्टियां तो बाद में आती है, पहले समाज आता है, समाज और क्षेत्र और भाईचारा पहले आता है, पार्टियां बाद में आती है और ये भाई ने बिल्कुल चरितार्थ किया है कि ये जो जिस समाज से हम आते हैं ना वो समाज अगर कहीं खड़ा होगा ना तो फिर पीछे कदम नहीं हटाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी की लीड से आप ये चुनाव जीत रहे हैं? क्योंकि मेवात में भी आपके द्वारा संबोधन किया गया कि मेवात में लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समाज कब उठ के उनके पास चले और वोट की अपील करें। साहब मैं तो देख रहा हूँ कि चारों तरफ वोट ही वोट है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कैटराइज वोटर है वो अपने साथ है और बहन जी ने टिकट देकर के इतना बड़ा सम्मान गुजरों का करा है, तो गुजर समाज 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी वोट है, मैं कहता हूँ एक मुश्त एक हाथ से ये नारा लगेगा आने वाले समय, जब समय आगे बढ़ेगा ना तो एक आवाज बुलंद होगी इस समाज से कि एक आदमी बूथ पे खड़ा होगा, पोलिंग बूथ पे खड़ा होगा, एक आदमी बटन दबाएगा वो भी हाथी का। भाई क्या देखा आपने जो जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद कहा कि हम जो वोट देंगे वो बसपा को देंगे? मैं जेजेपी से नहीं हूँ, INNL से जुड़े INNL से हूँ और मैंने पार्टी से त्याग पत्र नहीं दिया है, मैं पार्टी में ही हूँ, लेकिन मेरे समाज का मेरा भाई आया है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ और अपने भाई की सपोर्ट में खड़े हैं। पूरा गांव, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही गांव को पता चला कि हमारा अपना भाई विजय खटाना सोना से 52 विधानसभा में आ रहे हैं तो पूरे जोश और उल्लास के साथ जिस तरीके से मान सम्मान, क्या आप इसके साक्षी हो, आपने स्वयं इस चीज़ को देखा है, तो मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समस्त गांव, पूरा पातुवेड़ा गुजर गांव है, ये भाई विजय खटाना को यहां से विजय बना के भेजेगा। बाबा आपका बेटा आपके बीच में आया है टिकट लेकर के, क्या कहोगे? यही कहेंगे कि जब हमारे बीच में आया है तो हमारा गोती भाई भी है, हमारा बेटा है, इसलिए पूरा गाँव जोर शोर से हाथी पे बटन दबाएगा और एक हाथ और भाई को विजय बनाएगा। गुजर समाज के अपने समाज को क्या संदेश दोगे? गुजर समाज को संदेश देंगे कि हमारे गांव में जो आए हैं, जो हम कर रहे हैं, तो गुजर जितने भी भाई हैं जो है भाई विजय का जो है वोट दें और इनको विजय बनाएं। आज उन्होंने जो पगड़ी आपने उनको पहनाई, उन्होंने भी उस पगड़ी की लाज रखते हुए बुजुर्ग को वो पगड़ी समर्पित की कि उन्होंने कहा कि ये मेरा पैतृक गांव है, जो मेरी पगड़ी है वो बुजुर्गों पर अच्छी लगती है। हम जो है गांव की बात नहीं करें, बाकी जो हमारे पास और गुजुर्ग गाँव है जो हमसे गोद के दूसरे हैं, हम वहाँ भी इस चीज़ का प्रचार करेंगे, जो यार दोस्त है हम उनसे उठा बैठ करते हैं, हमारी नोता खोत जहाँ है हम उसको भी इस चीज़ को बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी वोट
भाई विजय को दिलाएंगे और यहाँ से विजय जी पहली हाँ। बार लोकसभा का जो टिकट मिला है गुर्जर समुदाय को मिला है, किस तरीके से देखते हैं? हम वोट भाई का ही दलना, बड़ी खुशी है। हाँ जी, एक एक वोट बसपा को देंगे, एक आदमी लगाएगा जी, पूरे गांव का एक आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पूरा गांव साथ है, भाई विजय के साथ है। आप भी यूथ हैं, यूथ आइकन पर सरकार टिकी है, तो किस तरीके से विजय खटाना जी का चुनाव आप देखेंगे? हम तो देखेंगे भाई विजय वहां से जीतते हैं अपने बावल जी। बावल विधानसभा में हम मौजूद थे, जहां पर ये सब क्या कहेंगे? भाई साहब का आने पे बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, और गुर्जर समाज के साथ साथ यहां दलित समाज बहुत ज्यादा तादाद में, मतलब ये मानेंगे आधे से ज्यादा हमारे साथ दलित समाज भी है, तो पूरा दलित समाज और पूरा गुर्जर समाज मिलकर भाई विजय को एक हाथ वोट देंगे और विजय बनाएंगे। अगर गुर्जर समाज मिलकर के वोट मांगे तो दलित वोट बैंक, गुर्जर वोट बैंक और जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो एक पगड़ी और एक बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय भी लिया। हाँ जी, देखो जो भी हमारे जो डिसीजन होता है पूरे गाँव का, सारे समाज का एक मत होती है, आपस में बैठ के विचार करके हम एक पार्टी को वोट देते हैं, और भाई साहब का पूरे गांव की तरफ से समर्थन रहेगा, पूरा रहेगा जी। हम लोग मौजूद थे बावल विधानसभा में, और विस्तार से किस तरीके से लोगों ने बताया कि पहली बार लोकसभा की टिकट जो बसपा बहन मायावती जी ने गुर्जर समुदाय को दी है, उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कर करके यहाँ से लोकसभा में भेजने का कार्य करेंगे। अगली अपडेट के साथ हम आपको जोड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।